नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट सुपरनोवा स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 3499 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये स्मार्ट वॉच 3999 या उसके अंडर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है, लेकिन अगर आपको उसके ऊपर पे करना पड़े तो ये आपके लिए एक एक्सपेंसिव डील होगी। तो ये है एक कोलिंग स्मार्ट वॉच, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये एप्पल वॉच अल्ट्रा की कॉपी लगती है, मतलब कि इसका लुक अगर आप देखोगे, इसका केस जो है, इसके अलावा इसके स्ट्रैप्स एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह ही है। और इसमें है 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, मतलब कि जो डिस्प्ले है काफी शार्प है और आप इसमें ऑलवेज ऑन को भी यूज कर पाओगे डिस्प्ले पे। 123 स्पोर्ट्स मोड है, हार्ट रेट, SPO2 ट्रैकिंग, वॉइस असिस्टेंट, इनबिल्ट गेम, इसके अलावा कैलकुलेटर, इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर कॉलिंग पर्पज के लिए, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल, मल्टीपल वॉच फेसेस, और ये है IP67 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर, यूजर मैनुअल, बुक माई शो का वाउचर, गाना प्लस सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए, बोल्ड प्ले ऐप मेंबरशिप वाउचर, ये है वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड। इस वॉच के लिए आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी, और वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 270 mAh की बैटरी, इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे और आपको मिलेगा 5 दिन का बैटरी बैकअप, लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे, AOD का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो, जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में, या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। तो जो वॉच है दिखने में काफी बढ़िया है, जैसे कि आप देख सकते हो एप्पल वॉच अल्ट्रा की कॉपी लगती है, जहां पे केस मेटालिक आपको मिल जाता है, एल्यूमिनियम एलॉय का क्राउन बटन दिया गया है, साइड बटन, माइक है, बैक में यहाँ पे है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, और ये है स्पीकर, फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है, कोई भी कर्व नहीं है, और जो स्ट्रैप से सिलिकॉन के हैं काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, 22 mm के, मेटालिक बकल और मेटालिक स्ट्रैप होल्डर। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी सॉलिड और स्टडी है, दिखने में काफी प्रीमियम लगती है, और अगर आपको इस स्ट्रैप्स को रिमूव करना हुआ तो आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और स्ट्रैप्स को ऐसे बाहर करना है, इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाले पिन को नीचे खींचना है और अंदर पिन को अलाइन करना है इस तरीके से। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है, ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन, तो उसके लिए आपको दोनों में से किसी भी एक बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। आप किसी भी बटन का यूज कर सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच को स्विच ऑन करने के लिए, लॉन्ग प्रेस करना है आपको। तो स्मार्ट वॉच जो है स्विच ऑन हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दाफिट। इसे आपको डाउनलोड कीजिए, इसके बाद आपको इसे करना है ओपन। अपना जेंडर, बर्थडे आप यहां से सेट कीजिए, इसके अलावा आपकी हाइट सेंटीमीटर में, आपका वेट kg में, डन कीजिए, टिक पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, ऊपर में लिखा हुआ है टू ऐड, आपको इस पे टैप करना है, वैल्यू यूजिंग दी ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए, ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। आपको वेट करना है, यहां पे शो करेगा फायरबोल्ट 083, ये रहा फायरबोल्ट 083, आपको इस पे टैप करना है। जाने डिवाइस के टैप में, यहां पे बैटरी लेवल शो करेगा, मतलब कि समझ जाना कि आपकी जो वॉच है पेयर हो चुकी है सक्सेसफुली। इसके बाद आपको मिलेगा पेयर करने के लिए पॉपअप, आपको करना है पेयर पे टैप, मतलब कि अब जो कॉलिंग का फीचर है आपकी वॉच में इनेबल हो चुका है, अब कोई भी कॉल आएगा तो आप अपनी वॉच में उसे रिसीव कर पाओगे। अगर आपको ये पेयर करने का पॉपअप नहीं आता है तो आपको जाना है अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहां पे आपको देखना है ऑडियो फायरबोल्ट 083 यहां पे होगा, स्कैन करने पर आपको मिलेगा, फिर आपको उस पर टैप करना है, टैप करने के बाद वो हो जाएगा कनेक्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉच फेस के बारे में, तो वॉच फेस को आप यहां से भी इजीली चेंज कर सकते हो, बस आपको यहां पे इस तरीके से टैप करना है वॉच फेस को चेंज करने के लिए। आप देख सकते हो 1 टैप में आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है वॉच फेस को तो आपको लास्ट वाले
फेस गैलरी पे टैप करना है। यहां पे आपको मिलेंगे 150 प्लस वॉच फेसेस। आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है। जैसे कि मुझे डाउनलोड करना है ये वॉच फेस, तो मैं इस पर टैप करूंगा। डाउनलोड पे टैप करना है आपको। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है आपकी वॉच में, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई तो आप वो भी कर सकते हो। आपको वॉच फेस नंबर 3 पे एडिट पे टैप करना है। आप इनमें से किसी भी बैकग्राउंड को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो आपको लास्ट में चूज फ्रॉम एल्बम पे टैप करना है। गैलरी को ओपन कीजिए, जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस पर टैप करना है। अगर मुझे सेट करनी है ये फोटो तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम जो है नीचे शो कर रहा है, अगर आप चाहो तो टाइम को ऊपर भी कर सकते हो या फिर टाइम को नीचे भी कर सकते हो, अबो या बिलो। टाइम के ऊपर और टाइम के नीचे आपको क्या शो करना है, मैं चाहता हूं अबो टाइम, मतलब कि टाइम के ऊपर डेट शो करे, और टाइम के नीचे मतलब कि बिलो टाइम स्टेप शो करे। इस तरीके से आप टाइम के ऊपर नीचे दो चीजों को शो कर सकते हो, और आप यहां से जो टेक्स्ट का कलर है उसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। जो वॉच फेस है सेट हो चुका है। आप अपनी वॉच में एक साथ 9 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि जो 7 वॉच फेस है फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। 3 नंबर का और जो लास्ट वाला वॉच फेस है बस वही चेंज होते हैं। वॉच फेस को आप अपनी वॉच से भी चेंज कर सकते हो। 4 तरीके हैं वॉच फेस को चेंज करने के। एक तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है और इसे स्वाइप करना है चेंज करने के लिए। आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप करना है सेट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप नीचे वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो इससे भी आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप इस ऊपर वाले बटन को घुमाओगे, रोटेट करोगे, उससे भी आप जो वॉच फेस है चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, वॉच फेस में, तो आप यहां से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और इसमें एक एप्पल वॉच अल्ट्रा का वॉच फेस भी दिया गया है, तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ये है पिंक, टैप कीजिए, ऑरेंज टैप कीजिए, स्काई ब्लू, इस तरीके से आप जो कलर है उसे भी चेंज कर सकते हो इस वॉच फेस में टैप करके। आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर टैप करना है। फोन को ऑन कीजिए कॉल को रिसीव करने के लिए, अलाउ कीजिए परमिशन को। इसके बाद आपको मैसेज को भी ऑन करना है एसएमएस के लिए, अलाउ कीजिए परमिशन। इन ऐप्स में से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है अपनी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। मैं चाहता हूं ट्विटर, इनेबल कीजिए। डा फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो ये कुछ ऐप्स आपको यहां पे मिल जाते हैं। हालांकि आप अगर चाहते हो आपके फोन में जितने भी ऐप्स अवेलेबल है उन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन मुझे मेरी वॉच में रिसीव हो, तो आपको अदर्स को ऑन करना है। लेकिन अगर आप अदर्स को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा आपको, इसलिए मैं इसे ऑफ ही रखूंगा। जो काम किया आपको उन्हीं को ऑन करना है। अब देखते हैं अगर आपको कहीं भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो कॉल आ चुका है और वॉच में इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू। वॉच कर रही है वाइब्रेट और इसमें रिंगटोन भी बज रही है क्योंकि हमने रिंगिंग और वाइब्रेशन को सेट किया है। कॉल का या कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन कॉल को कट करने का और इसे एक्सेप्ट करने का। अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 बटन्स। वॉल्यूम को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कॉलिंग के वॉल्यूम को। इसके अलावा ये है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन। जो कॉल है अब चल रहा है वॉच में, अगर आप चाहते हो कॉल अब चले फोन में तो आपको इस पर टैप करना है। जो कॉल है अब चला जाएगा फोन में, अगर आप वापस आना चाहते हो वॉच में तो आपको इस पर टैप करना है। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर सकते हो वॉच टू फोन, फोन टू वॉच। और ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन, तो अगर आप माइक को म्यूट करोगे तो सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और ये है एंड में कॉल को कट करने का ऑप्शन। अगर आप अपनी वॉच में कॉलिंग के फीचर को यूज नहीं करना चाहते तो आपको अपनी वॉच से कॉलिंग के फीचर को ऑफ करना है। यहां से पहला टॉगल, इसे ऑफ कीजिए। कॉलिंग का फीचर ऑफ हो चुका है। अब ऐसे में अगर कोई कॉल आता है तो कैसे शो करेगा ये भी हम देख लेते हैं। हालांकि आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे, तो इस तरीके से कॉल शो करता है।
आपकी वॉच करती है वाइब्रेट, कॉन्टैक्ट का नाम नंबर शो करता है और यहाँ पे मिलते हैं आपको दो बटन्स, कॉल को कट करने का और इस व्यू को रिमूव करने का। तो टैप करोगे तो यहाँ से ये जो कॉल है रिमूव हो जाएगा। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा। SMS आ चुका है, अच्छी बात है कि वॉच में डिस्प्ले ऑन होता है और वॉच करती है वाइब्रेट और इस तरीके से कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। और अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको करना है स्वाइप अप। ये रहा आपका SMS, टैप कीजिए। हिंदी फोन सपोर्ट करते हालांकि इमोजी सपोर्ट नहीं करते और आप यहाँ पे इस तरीके से अपने मैसेज को रीड कर सकते हो। 6-7 लाइन आप यहाँ पे रीड कर पाओगे और आप चाहो तो यही से इसे डिलीट भी कर सकते हो। अब देखते हैं अगर आपको कहीं भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, वॉच करती है वाइब्रेट, तो आप अपने सभी व्हाट्सएप मैसेज को रीड कर सकते हो इस तरीके से और यहाँ पे स्वाइप करके आप रीड कर पाओगे। देखना मिस कर दिया तो स्वाइप अप कीजिए और इस तरीके से ये है व्हाट्सएप का आइकन, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर। आप यहाँ पे अपने पिछले 5 मैसेज को रीड कर सकते हो। अगर आपको सभी को एक साथ क्लियर करना हुआ तो नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन क्लियर ऑल का, यहाँ से आप सभी को एक साथ क्लियर कर सकते हो। आगे है अलार्म्स, तो अलार्म्स पे टैप कीजिए। आप यहाँ पे एक साथ 3 अलार्म्स को ऐड कर सकते हो। जो भी अलार्म्स आप ऐड करोगे आप अपनी वॉच में भी उन्हें देख पाओगे और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। तो आपको टाइम पे टैप करना है टाइम को सेट करने के लिए। ये है आवर और ये है मिनट। किस दिन को आपको इस अलार्म को प्ले करना है आपको उस दिन को चूज करना है, सेव पे टैप करना है। इस तरीके से आप अलार्म को सेट कर सकते हो इस ऐप में। आगे शटर, जैसे मैं इस पे टैप करूंगा आपको करना है वाइल यूजिंग द ऐप और आपके वॉच में ओपन होगा कैमरा शटर, फोन में ओपन होगा कैमरा। फिर आप टैप करोगे तो आपके फोन में फोटो जो है कैप्चर हो जाएगी 3 सेकंड के टाइमर के बाद। आप टैप करके या अपनी वॉच को शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। फ्लैश को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, इसके अलावा कैमरा को यहां से रोटेट कर सकते हो। आगे है फेवरेट कॉन्टैक्ट, तो जो भी आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट है जिन्हें आप ज्यादातर यूज करते हो ऐसे आप मैक्सिमम 8 कॉन्टैक्ट को अपनी वॉच में सेव कर सकते हो। आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए। जिस कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है उसके नाम के आगे लिखा होगा नंबर, आपको उस पर टैप करना है। उसके बाद आपको मिलेगी वहां पे टिक। इस तरीके से आप कोई भी 8 कॉन्टैक्ट को सेट कर लीजिए। तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट को ऐड कर लिया है, फिर आपको करना है डन पे टैप। जिस ऑर्डर में ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो, 3 बार पे लॉन्ग टैप करके आपको ट्रैक करना है ऊपर नीचे करने के लिए इस तरीके से। अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करके दूसरे कॉन्टैक्ट को ऐड करना हुआ तो आपको स्वाइप लेफ्ट करना है ऐसे, माइनस पे टैप कीजिए उसे रिमूव करने के लिए। ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे टैप करके आप ऐड कर सकते हो, सेव करने के लिए डन पे टैप कीजिए। इस कॉन्टैक्ट में आपको ऐसा कोई भी नंबर ऐड नहीं करना जिसमें स्टार या हैश हो। अगर ऐसा कोई नंबर आप ऐड करोगे तो आपके कॉन्टैक्ट सिंक नहीं होंगे। तो जो सारे कॉन्टैक्ट सिंक हो चुके हैं आपकी वॉच में। आगे है अदर्स, मतलब की सेटिंग्स। इसमें सबसे पहले है फाइंड डिवाइस, तो आप इस फीचर के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पे रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में 2 चीजें होंगी। आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 3 बार और आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे है टाइम फॉर्मेट, आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते। जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है अपनी वॉच में उसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, 12 आवर या फिर 24 आवर। मैं करूंगा 12 आवर क्योंकि 12 आवर में टाइम को समझना इजी होता है। आपको करना है डन पे टैप। यूनिट सिस्टम और लैंग्वेज आपको चेंज नहीं करना है, उन्हें रखना है सेम। आगे है DND, तो अगर आपको DND का यूज करना हुआ तो आपको इस पर टैप करना है। टाइम सेट करना है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अब DND काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आएंगे, आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। आगे है रिमाइंडर्स टू मूव, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आप इसे ऑन करोगे, मतलब कि अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे बैठे हुए हो आइडली 1 घंटे के दौरान, ना आप चले ना आप उठे, तो आपको आएगा आपकी वॉच में एक अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए। तो इसे ऑन करने पे रोज सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक हर घंटे आपको आएगा अलर्ट, अगर आप हर घंटे कोई भी मूवमेंट या एक्टिविटी नहीं करते तो। इस वॉच में आप
ऑटोमेटिक हार्ट रेट को ऑन कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो उसे ऑन करना तो आपको कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन को ऑन करना है। आपको यहाँ पे टाइमर सेट करना है। जैसे कि मान लेते मैंने टाइमर सेट किया है 20 मिनट, मतलब कि मेरी वॉच में अब हर 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर होगा। आप जितना टाइमर कम रखोगे उतनी बैटरी ज्यादा यूज होगी आपकी वॉच में। अगर आपको और ज्यादा बैटरी सेव करना है तो आप इसे क्लोज कीजिए, इसे ऑफ रखिए, ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर नहीं होगा आपकी वॉच में। फिर आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। आगे है कंट्रोल फोन म्यूजिक। तो अगर आपको अपने फोन का जो म्यूजिक है उसे कंट्रोल करना है अपनी वॉच के जरिए तो आपको इसे ऑन करना है। आगे है बैटरी सेविंग। तो अगर आप अपनी वॉच में बैटरी को काफी ज्यादा सेव करना चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। इसे अगर आप ऑन करोगे तो होंगी आपकी वॉच में चार चीजें। ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा आपकी वॉच में, कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा और जो रेस्ट वेक का फीचर है वो भी ऑफ हो जाएगा। ऑटो लॉक मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट, तो यहाँ पे सेट किया गया है 5 सेकंड्स, मतलब कि अगर डिस्प्ले मैंने ऑन किया तो अब ये 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो आप डिस्प्ले को कितने सेकंड के लिए ऑन रखना चाहते हो तो टाइमर है यहां से सेट कीजिए। मैं चाहता हूं ये ऑन रहे 15 सेकंड, तो 15 सेकंड के लिए अब डिस्प्ले ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। आप जितना टाइमर यहाँ पे ज्यादा रखोगे उतनी बैटरी ज्यादा यूज होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर ये है रिसेट करने का ऑप्शन। तो अगर आपको अपनी वॉच को रिसेट करना हुआ, उसमें सभी जो डेटा है उसे क्लियर करना हुआ, तो आपको करना है यहां से रिसेट। और ये है क्विक व्यू, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। तो आपने अगर इसे ऑन किया है, मतलब कि अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आप अपनी वॉच को ऊपर उठाओगे डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा, इसे कहते हैं क्विक व्यू। तो जब भी आप अपनी वॉच को पहनोगे कलाई पे, आपको बस कलाई को ऊपर करना है इसे टाइम को देखने के लिए, ताकि डिस्प्ले इसका ऑन हो जाए। हालांकि आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। आगे है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर। तो अगर आपको पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए अपनी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम मतलब कि आपको सुबह में कितने बजे सबसे पहला रिमाइंडर चाहिए पानी पीने का, तो मैं करूंगा सुबह के 9 बजे। इसके अलावा आपको कितने बार पानी पीना है, तो मैं करूंगा 6 बार। और आपको हर कितने टाइम के बाद पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए, मैं चाहता हूं हर 2 घंटे के बाद 120 मिनट। तो मुझे हर 2 घंटे बाद दिन में 6 बार आएगा पानी पीने का रिमाइंडर मेरी वॉच में। आगे है हार्ट रेट वार्निंग। तो अगर आपने इसे ऑन किया और आपने यहाँ पे अगर अपर लिमिट सेट किया है 150, तो अगर आप कभी भी हार्ट रेट मेजर करोगे या कभी भी वर्कआउट करोगे तो उस दौरान अगर आपका हार्ट रेट 150 या उसके ऊपर जाता है तो आपको आएगा आपकी वॉच में एक अलर्ट कि आपका जो हार्ट रेट है अपर लिमिट के ऊपर जा चुका है, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। आप अपनी वॉच में वेदर इन्फो भी देख सकते हो, बस आपको यहाँ पे अपने सिटी को ऐड करना है। तो आपको सर्च करनी है अपनी सिटी, जैसे कि मुंबई, टैप कीजिए, मुंबई का वेदर शो करेगा आपकी वॉच में। और लास्ट में है फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, मतलब कि पीरियड ट्रैकर। तो आपको इसे ऑन करना है अगर आप चाहते हो अपने पीरियड को ट्रैक करना। साइकिल डे आपको सेट करना है 28 या 29 डेज का अपने हिसाब से, मेंस्ट्रुअल डेज 5 डेज का, कितने दिन के लिए आपको पीरियड रहते हैं, पेन रहता है, लास्ट टाइम आपको कब आया था पीरियड, आपको जो डेट है उसे यहाँ पे सेट करनी है। रिमाइंडर मोड आपको करना है मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर पीरियड के लिए। रिमाइंडर टाइम मतलब कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको आता है रिमाइंडर पीरियड के लिए तो कितने बजे आना चाहिए सुबह में, तो आप जो सुबह का टाइम है उसे सेट कर सकते हो। और ये है आपका साइकिल कैलेंडर, आप यहाँ पे जो मंथ है उसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और ये है अपग्रेड, मतलब कि आप अपनी वॉच को यहाँ से अपडेट कर सकते हो, हालांकि अब यहाँ पे ये अप टू डेट है। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की। तो आपको प्रोफाइल के टैब पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करोगे तो आप यहाँ पे अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और स्टेप लेंथ, मतलब कि कदमों की लंबाई, जब चाहे तब चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये है गोल, मतलब कि डेली स्टेप गोल, आपको रोजाना कितने स्टेप चलने हैं, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो अपने डेली स्टेप गोल को। और ये है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड। उसके लिए आपको करनी है 2 चीजें, ताकि आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और आपका जो ये ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे। तो आपको इसे ओपन करना है रिसेंट ऐप में, ऐप के आइकन पर टैप करना है और करना है लॉक दिस ऐप। लॉक का आइकन होगा, आपके फोन में लॉक का आइकन शो कर सकता है या हो सकता है कीप ओपन ऐसा लिखा हुआ, आपको इस पर टैप करना है। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और यहां पे करना है पहले भी सिलेक्शन अनरिस्ट्रिक्टेड। और ये है गूगल फिट। तो अगर आपको अपने इस ऐप के डेटा को सिंक करना है गूगल फिट के साथ, तो आपको इस पर टैप करना है। इस ऐप में आपका जो भी हेल्थ डेटा और एक्टिविटी डेटा है, जैसे कि आपका हार्ट रेट, SpO2, आपके स्टेप्स,
किलो कैलोरी एनर्जी डिस्टेंस, ये सारा डेटा आप अपने गूगल फिट में भी देख पाओगे। अब बात करते हैं होम पेज की, तो जैसे आप होम पेज पर टैप करोगे आप यहाँ पे देख पाओगे आपका आज का एक्टिविटी और हेल्थ डेटा। आपको इसे रिफ्रेश करने के लिए स्वाइप डाउन करना है। सबसे पहले यहाँ पे शो करता है आपका स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी एनर्जी और आपका एक्टिव टाइम। आप यहाँ पे अपना स्लीप डेटा चेक कर पाओगे। इसके अलावा आपका हार्ट रेट जो भी आप मेजर करोगे यहाँ पे शो करेगा। आप इसे डिटेल में चेक कर सकते हो। यहाँ पे SPO2 जो भी आप मेजर करोगे यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा ये है आउटडोर रनिंग, मतलब कि अगर आपको GPS के साथ रनिंग करना हुआ तो आपको इस पर टैप करना है। आपकी वॉच में GPS नहीं है लेकिन आपके फोन में GPS है, तो आपको अपने फोन को साथ में लेकर रनिंग करना है ताकि आपको मैप में लाइव रूट शो करे। टर्न ऑन कीजिए, अलाउ ऑल द टाइम कीजिए, बैक जाइए, स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे शो करेगा डिस्टेंस, टाइम, कैलरी, पेस। पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, यह है मिनट और यह सेकंड। आपके स्टेप्स, और अगर आपको देखना हो आपका, और अगर आपको देखना है आपका लाइव रूट तो आपको मैप पे टैप करना है। ये है आपका लाइव रूट, आप कौन से रूट पे रनिंग कर रहे हो यहाँ पे शो करेगा। बैक जाने के लिए नॉर्मल पे टैप कीजिए, एंड करने के लिए इस पे लॉन्ग प्रेस कीजिए और इसे कीजिए स्टॉप, तो आपको यहाँ पे शो करेगा आपका लाइव रूट और ये डिटेल। और लास्ट में है लुक मोर ट्रेनिंग डेटा, तो आप जो भी वर्कआउट करोगे आपकी स्मार्ट वॉच में उसका सारा डेटा, उसका सारा रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख पाओगे इस पेज पे। इस वॉच के वारंटी को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। एड्रेस बार में जो लेंस का आइकन है आपको उस पर टैप करना है। कैमरा पर टैप कीजिए और जो वारंटी इन्फो कार्ड है उसमें जो कोड दिया गया है आपको उसे स्कैन करना है इस तरीके से। और वेब एड्रेस जब शो करेगा तब आपको सर्च पर टैप करना है। अगर इस तरीके से पेज ओपन होता है तो आपको एडवांस पे टैप करना है। प्रोसीड पे टैप कीजिए। ये रहा वारंटी फॉर्म, तो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है अपनी डिटेल, जैसे कि आपका नेम, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, कहाँ से आपने इस स्मार्ट वॉच को परचेस किया है, तो मैंने किया है इसे फ्लिपकार्ट से, और ये कौन सी स्मार्ट वॉच है, तो आपको करना है फायरबोल्ट सुपरनोवा 083 नंबर होगा इसका। और चूज पे टैप करके आपको करना है नो, और बाद में करना है नेक्स्ट, और उसके बाद एंड में करना है सबमिट। उसके बाद आपके वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमने इस वॉच को सेटअप कर लिया है इस ऐप के जरिए। अब हम देखेंगे आपको स्मार्ट वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है 2 बटन्स, दोनों के 2 कॉमन फंक्शंस है। आप दोनों पे लॉन्ग प्रेस करके अपनी स्मार्ट वॉच को स्विच ऑन कर सकते हो। इसके अलावा आप दोनों पे प्रेस करके डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। हालांकि डिस्प्ले को अगर आपको ऑफ करना हुआ तो आप ऊपर वाले बटन से ही कर पाओगे डिस्प्ले को ऑन ऑफ, इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो वहां से अगर आपको जाना हुआ बैक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ऊपर वाले बटन पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए, इस तरीके से। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को कर पाओगे स्विच ऑफ। आपको टिक पे टैप करना है स्विच ऑफ करने के लिए। बैक जाने का और एक तरीका है, तो अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो वहां से अगर आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप बैक, तो आपको इसे स्वाइप राइट करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। होम पेज पे होते हुए अगर आप नीचे वाले बटन पे प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा वर्कआउट मोड। आप डायरेक्टली वर्कआउट मोड को यहां से एक्सेस कर सकते हो, इस तरीके से। और अगर आप नीचे वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप वॉच फेस को चेंज कर पाओगे, इस तरीके से। ऊपर वाले जो बटन है वो है क्राउन बटन, मतलब कि 2 इन 1, जिसे आप प्रेस भी कर सकते हो और इसे घुमा भी सकते हो। तो अगर आप इसे घुमाओगे तो वॉच फेस को आप चेंज कर पाओगे। इसके अलावा आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो तो इस पेज पे अगर आपको ऊपर नीचे स्क्रोल अप या स्क्रोल डाउन करना हुआ तो आपको इसे घुमाना है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, इस तरीके से। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आप अपने जो मैसेज है यहां से रीड कर सकते हो, और होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, डेट और बैटरी लेवल यहां पे शो करती है। हालांकि बैटरी कितनी बची है परसेंट में शो नहीं करता, तो अगर आपको बैटरी लेवल चेक करना है परसेंट में तो आपको जो एप्पल वॉच अल्ट्रा का वॉच फेस है उसे सेट करना है, और वहां पे होगा बैटरी लेवल। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ये है बैटरी लेवल। सबसे पहले टॉगल है कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ करने का, तो अभी ब्लू में है मतलब कि कॉलिंग का फीचर ऑन है। अगर आप कॉलिंग के फीचर को ऑफ करोगे तो आपको इस पे टैप करना है, इस तरीके से, मतलब कि आपकी वॉच में अब कॉल रिसीव नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कॉल रिसीव करना आपकी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है।
आगे है वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो ये ब्लू में मतलब कि वाइब्रेशन अब आपकी वॉच में होंगे। अगर आप चाहते हो वाइब्रेशन ना हो तो आपको इस पे टैप करना है इसे ऑफ करने के लिए। ब्राइटनेस को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो स्लाइड करके इस तरीके से। टॉर्च को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में। यह है थिएटर मोड, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी और वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा इस तरीके से। यह है वेदर इन्फो, तो अभी फिलहाल कितना वेदर है यहां पे शो करता है। टैप करोगे तो यहां पे शो करेगा अभी फिलहाल कितना है। इसके अलावा आने वाले अगले 6 दिन का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आप यहां पे चेक कर सकते हो। और लास्ट में है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है डिस्प्ले और इसमें पहले है ऑटो स्लीप मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट जो हमने सेट किया था 15 सेकंड, आप यहां से भी उसे चेंज कर सकते हो। मेनू स्टाइल, तो आप यहां पे मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो लिस्ट व्यू या फिर ग्रिड व्यू में। तो अगर आप करोगे ग्रिड व्यू तो इस तरीके से आपके सारे मेनू शो करेंगे। अगर आप इसे सेट करोगे लिस्ट में तो आपके सभी मेनू लिस्ट में शो करेंगे। इसके बाद है ब्राइटनेस, तो आप यहां से भी स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हो। आगे है वाइब्रेशन एंड रिंगिंग मतलब कि अगर कोई भी कॉल आता है तो आपको अलर्ट कैसा चाहिए तो टैप कीजिए, मोड पे टैप कीजिए। मैंने सेट किया है वाइब्रेशन मतलब कि जब भी कोई कॉल आएगा तो मेरी वॉच में होगा केवल वाइब्रेशन, और अगर मैं करूंगा वाइब्रेशन एंड रिंगिंग तो मेरी वॉच में जब भी कोई कॉल आएगा तो मेरी वॉच करेगी वाइब्रेट और उसमें रिंगटोन भी बजेगी। अगर आप चाहते हो कॉल आने पे कुछ ना हो तो आपको ऑफ पे टैप करना है मतलब कि आपका कॉल म्यूट रहेगा, रिंग भी नहीं बजेगी और वाइब्रेशन भी नहीं होगा। आगे है इंटेंसिटी मतलब कि वाइब्रेशन लेवल, तो आपको अपनी कलाई पे वाइब्रेशन कैसा चाहिए। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो स्ट्रॉन्ग पे रखिए, अगर आपको हल्का सा चाहिए तो रखिए सॉफ्ट पे, अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो रखिए ऑफ पे। यह है लो पावर मोड, आप यहां से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हो जो हम देख चुके थे ऐप में, जिसे कहते हैं बैटरी सेवर मोड। इसे ऑन करोगे तो होंगी 4 चीजें। इसके अलावा यह है थिएटर मोड, आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। यह है फोन कॉल मतलब कि कॉलिंग का फीचर, आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। और यह है कॉल रिसेट, अगर आप इसे रिसेट करोगे मतलब कि आपकी वॉच में आपने जो भी कॉन्टैक्ट सेव किए हैं वो डिलीट हो जाएंगे और आपकी जो भी कॉल हिस्ट्री है वो भी डिलीट हो जाएगी। आगे है AI वॉइस मतलब कि आपके फोन में जो भी गूगल असिस्टेंट या सीरी है तो आप उसका यूज कर सकते हो अपनी वॉच के जरिए। टैप कीजिए, फिर से टैप कीजिए। हाउ इज द वेदर? 16 एंड क्लियर टुडे, इट विल बी सनी विद अ हाई ऑफ 29 एंड अ लो ऑफ 50। इसमें अच्छी बात यह है कि आपका फोन अगर लॉक भी होता है फिर भी ये फीचर काम करता है। टेल मी लाइव क्रिकेट स्कोर। लास्ट वेंसडे न्यूजीलैंड लॉस्ट टू इंडिया बाय 12 रन्स। आगे है ऑलवेज ऑन स्क्रीन मतलब कि डिस्प्ले को अगर आपको हमेशा के लिए ऑन रखना है टाइम के साथ तो आपको इस पर टैप करना है। आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन, एक तो आपको इसे अगर यूज नहीं करना है तो आप 2 स्टाइल में क्लॉक को हमेशा ऑन रख सकते हो अपनी वॉच में। एक है एनालॉग, तो जो क्लॉक है इस तरीके से शो करेगी हमेशा के लिए आपकी वॉच में। हालांकि ऑलवेज ऑन रखने पे जो रेस्ट वेक का फीचर है वो काम नहीं करेगा, आप देख सकते हो। अगला जो स्टाइल है वो है डिजिटल, तो ये ऐसे शो करेगा। आगे है फाइंड फोन मतलब कि आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। आपका फोन अगर साइलेंट मोड पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। फिर से टैप कीजिए। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। सिस्टम में आपको शो करेंगे 3 ऑप्शन, रिस्टार्ट करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए और इस वॉच को रिसेट करने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप राइट करोगे तो आपको मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन मतलब कि यहाँ पे शो होगा टाइम, डेट, वेदर और यहाँ पे जो भी आप रिसेंटली यूज करते हो एप्स को यहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि 6 एप्स यहाँ पे शो करेंगे और आप उन्हें यहीं से ओपन कर सकते हो इस तरीके से, और ये चेंज होते रहेंगे आपके यूसेज के हिसाब से। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की, तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको होम पेज पे करना है स्वाइप लेफ्ट। सबसे पहले है आज की एक्टिविटी, तो आज आप कितने स्टेप चले हो, इसके अलावा आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है। आगे है स्लीप डेटा, तो आप कितना टाइम सोए थे, आपकी लाइट स्लीप, डीप स्लीप और लास्ट 7 डे का रिकॉर्ड। इसके आगे है हार्ट रेट, तो इसे मेजर करने के लिए आपको टैप करना है। यहाँ पे होगा आपका मेजर हार्ट रेट और आज का मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे शो करेगा SpO2, तो टैप करने पे होगा मेजर।
नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए, और इसके नीचे आपको शो करेगा आज का मैक्सिमम मिनिमम और लास्ट 7 टाइम का रिकॉर्ड। इसके आगे है फोन कॉल, तो जो भी आपने कॉन्टैक्ट सेव किए आपकी वॉच में कॉन्टैक्ट में शो करेंगे, ये रहे आपके 8 कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो उस पर टैप कीजिए। डायल पैड से आप किसी भी नंबर को डायल कर सकते हो बड़ी आसानी से इस तरीके से। डायल पैड पे जो सिंबल से आप उन्हें भी यूज कर सकते हो, आपको उस नंबर पे लॉन्ग टैप करना है स्टार हैश और प्लस के लिए इस तरीके से। और फिर है रिसेंट कॉल, मतलब कि आपकी कॉल हिस्ट्री, तो यहां पे शो करेंगे आपके पिछले 4 कॉल्स। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको फिर से उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। हालांकि आप कॉल हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते, जैसे जैसे आप नए कॉल करोगे नए कॉल से यहाँ पे शो होंगे ऊपर में, पुराने नीचे से रिमूव होते जाएंगे। इसके आगे है एआईओएस जो हम देख चुके हैं, वेदर भी देख चुके हैं, स्टॉपवॉच आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से, लैब का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आगे है ऐड कंपोनेंट, तो जो शॉर्टकट से आप सभी को ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ये है अलार्म के लिए, स्वाइप कीजिए प्लस के साइन पर टैप करके आप इन्हें ऐड कर सकते हो वन बाय वन सभी को। तो मैंने सभी शॉर्टकट को ऐड कर दिया है, अगर आपको इनमें से किसी को भी रिमूव करना हुआ तो आपको लॉन्ग टैप करना है, माइनस के साइन पर टैप करके आप उसे रिमूव कर सकते हो, और उसे रखना है तो बीच में टैप कीजिए। इसके आगे है अलार्म, तो आप जो भी अलार्म सेट करोगे आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे, आप उन्हें यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, हालांकि यहाँ से उसे चेंज नहीं कर सकते। आगे है कैलसी, तो आप कैलसी का यूज कर सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और रिविजन। आगे है पीरियड ट्रैकर, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने पीरियड्स को। और आगे है टाइमर, तो यहाँ पे है अलग अलग टाइमर, मैक्सिमम 2 घंटे का टाइमर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इस तरीके से। आगे है मैसेज, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो। ये है म्यूजिक प्लेयर, टैप कीजिए प्ले करने के लिए, म्यूजिक प्ले होगा। अगर नहीं हुआ तो आपको अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, प्ले करना है म्यूजिक को, पॉज करना है, फिर आपको यहाँ पे प्ले करना है प्रीवियस नेक्स्ट। हालांकि वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है वॉच में। अगर आप चाहते हो वॉच में प्ले ना हो, म्यूजिक फोन में प्ले हो, तो आपको जाना है आपके फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए, और ये जो है ऑडियो फायरबोल्ट 083 उसके सामने गियर का आइकन होगा, आपको उस पर टैप करना है, और यहां पे लिखा होगा ऑडियो, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं प्ले करूंगा म्यूजिक को तो प्ले होगा फोन में, लेकिन आपको याद रखना है अगर आप इसे ऑन रखोगे तो आपके फोन में जो भी म्यूजिक प्ले होगा, फिर चाहे कोई भी सॉन्ग हो, वीडियो हो या यूट्यूब हो, तो उसका साउंड हमेशा प्ले होगा आपकी वॉच में। अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो तो आपको इसे ऑफ करना है। आगे शटर, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, अगर नहीं हुआ तो आपको मिलेगी एक नोटिफिकेशन, आपको उस पर टैप करना है, कैमरा की मिलेगी आपको नोटिफिकेशन, टैप कीजिए, उसके बाद आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, फिर आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो अपने फोन में। इसके आगे है एक्सरसाइज रिकॉर्ड, तो जो भी आप वर्कआउट करोगे आपकी वॉच में उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। वर्कआउट मोड को एक्सेस करने के लिए आपको नीचे वाले बटन पे प्रेस करना है, ये रहा वर्कआउट मोड। वर्कआउट के लिए ऑप्शन है 123, लेकिन यहाँ पे आप एक साथ प्लेस कर पाओगे 19, तो अगर आपको इसमें किसी को ऐड करना हुआ तो नीचे प्लस के साइन पे आपको टैप करना है, जिस कैटेगरी में से आपको स्पोर्ट्स को ऐड करना है आपको उसे ओपन करना है। मैं ऐड करना चाहता हूँ क्रिकेट, टेबल टेनिस और हॉकी। जैसे आप बैक जाओगे तो ऊपर में आपको नए जो स्पोर्ट्स मैंने ऐड किए वो शो करेंगे, हॉकी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ऐड किए हैं नए, तो पुराने 3 नीचे से यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। आप जितने ऐड करोगे उतने नीचे से पुराने रिमूव होते जाएंगे। आप यहाँ पे एक साथ 19 वर्कआउट मोड को ही सेट कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी को स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे शो करेगा टाइमर, स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका हार्ट रेट, इसके बाद यहाँ पे है हार्ट रेट जोन, और ये है पॉज रिज्यूम करने का ऑप्शन और इसे एंड करने का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो आपका डेटा सेव हो आपके वॉच में और आपके ऐप में, तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। अगर आपको गेम को एक्सेस करना हुआ तो आपको जाना है मेन मेनू में, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, मेनू स्टाइल में, लिस्ट में, और आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा गेम्स, आप यहां से उसे एक्सेस कर सकते हो। यहां पे आपको मिलेगा केवल एक ही गेम।
तो ये था फायरबोल्ट सुपरनोवा स्मार्टवॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।